अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दावत चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान मैंगो मूज, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। तो ये तकरीबन 10 मिनट में झटपट बन जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 2 स्मॉल साइज़ के मैंने आम लिए थे, छोटे साइज़ के। बहुत मीठे आम लेने हैं आपने इसके लिए। तो अगर आपके पास मीठे नहीं हो तो आप चीनी ऐड करेंगे। मेरे वाले मीठे हैं, पाकिस्तानी मैंगोज़ बहुत मीठे होते हैं, तो इसलिए मैंने 2 स्मॉल साइज़ के मैंगोज़ लिए हैं। उसको रैंडमली मैंने कट कर लिया इस तरीके से, और उसी में से मैंने छोटे छोटे से, आप देख लें, ऐसे मैंने चॉप कर दिए थे। ये मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। साथ ही मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। मैंने कंडेंस मिल्क लिया है 7 टेबल स्पून। साथ ही मैंने लिया है 5 टेबलस्पून पानी और 1 टीस्पून जेलेटिन पाउडर। ये जेलेटिन पाउडर मैं पानी में मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये वाली ली थी, मिल्क पैक वाली, बहुत आराम से मिल जाती है ये। तो मैंने ये ली है 200 ml। और मैं आपको जेलेटिन पाउडर भी दिखा दूँ। जेलेटिन पाउडर मैंने ये वाला लिया है, ये कहीं से भी आसानी से मिल जाते हैं, हलाल है, और इस तरीके का जेलेटिन पाउडर होना चाहिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी, सबसे पहले मैंने मैंगो ग्राइंड कर लेने हैं, तो मैंने ये डाल दिए हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। जी, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देखें बिल्कुल पेस्ट बना है इसका। अब मैं इस पानी में जेलेटिन पाउडर, हमने ज़्यादा पानी नहीं लेना, हमें लिक्विड ही नहीं करना। मैंने इवन मैंगो में भी ज़रा सा भी पानी नहीं डाला था, ऐसे ही इसका पेस्ट बनाया है। तो बस इसमें 1 टीस्पून हम जेलेटिन मिक्स कर देंगे। पानी हमें रूम टेम्परेचर का लेना है, ना ही ठंडा ना ही गर्म। अब हम दोबारा से जेलेटिन डाल के इसको हल्का सा 1 सेकेंड के लिए ब्लाइंड कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया, इसको साइड पे कर लेंगे। जी, हमने व्हिपिंग क्रीम लेनी है। मेक श्योर ये चिल्ड हो, मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। तो हम इसको अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। जी, 5 मिनट हो गए मुझे मुस्तकिल इसको चलाते हुए, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी हो गई है ये। बस अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो ये मेरा होममेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप इजीली घर में बना सकते हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, दूध और चीनी से। तो आप इजीली बना लीजिएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए साथ। जी, कंडेंस मिल्क इसमें अच्छे से मिक्स हो गया व्हिपिंग क्रीम में। अब मैं थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम अलग कर लूँगी। हम बस इसको असेंबल कर देते हैं, सारी चीज़ों को, सब रेडी है। अब मैं ये हाफ मैंगो का जो पेस्ट हमने बनाया था जेलेटिन पाउडर के साथ, इसको इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब मैं डालूँगी मैंगो पेस्ट थोड़ा सा इसके अंदर। अब मैं डाल दूंगी ये तीनों के अंदर डिवाइड करके। अब मैं मैंगो चंक्स डाल दूंगी थोड़े से बीच में। जो हमने व्हिपिंग क्रीम बचाई थी, अब इसमें ये डाल देंगे। हमने सारी चीज़ें असेंबल कर दी है एक साथ। अब हम ये डाल देंगे मैंगो की क्यूब। जी, हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मैंगो मूस तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से भी, कितनी मज़ेदार इसकी लेयर्स आई हैं, ये देखिए। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, 10 से 15 मिनट में बन जाता है, और हम इसको 2 घंटे ठंडा करके फिर खाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।